if Mahatma Gandhi was alive, he would oblique start weeping to see oblique the present condition of India oblique no error. Okay, so इस सेंटेंस से मुझे इधर फाइंड आउट करना है. अगर मैं ध्यान से देखूं तो इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो वो देश की स्थिति को देखकर रो रहे होते. अब इस सेंटेंस में बेसिकली देखा जाए तो ये सेंटेंस कैसा है, एक ऐसा सेंटेंस है जो क्या विशफुल है, जिसमें मतलब जो पॉसिबल नहीं है बट हम ऐसा इच्छा कर रहे हैं, जो हमारी डिजायर है, ऐसा हमारी विश है. तो जहां भी इस तरह के केस आए, जहां पे डिजायर हो, जहां पे विश हो, वहां पे हमेशा ऑलवेज हम वेयर यूज करते हैं. तो यहां पे क्या है, महात्मा गांधी वाज, तो वाज की जगह क्या हो जाएगा, हो जाएगा वेयर. ओके, यहां क्या होगा, वेयर यूज हो जाएगा. तो अभी सेंटेंस क्या है, कंप्लीट मेक सेंटेंस है. ओके, तो यहां पे एक मैं नोट कहना चाहूंगा, जहां भी हैबिट हो या कोई यूनिवर्सल लिमिट. ओके, सो न्यूज पेपर, न्यूज नेक्स्ट सेंटेंस है, न्यूज पेपर टोल्ड ऑब्लिक अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑब्लिक ऑल ओवर द वर्ल्ड नो एरर. अब देखिए, अभी मैंने कहा था जहां पे हैबिट हो, जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हमेशा वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. अगर आप इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें, सेंटेंस कैसा है, एक ऐसा सेंटेंस है जो किसी फैक्ट को बता रहा है, रिवेल कर रहा है, या किसी यूनिवर्सल चीज को बता रहा है. मतलब ये तो फिक्स बात है, न्यूज़पेपर हम क्या करते हैं, हमेशा पढ़ते हैं. और मुझे क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो भी इवेंट्स हमारे आसपास होता है. तो बेसिकली ये क्या है, फैक्ट्स है. तो इस केस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हम यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, न्यूज़पेपर टोल्ड, तो टोल्ड क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है नहीं, भी वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म है. तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूज़पेपर टेल्स होगा. तो जहां पे टोल्ड है वो हो जाएगा टेल्स, टेल हो जाएगा. न्यूज़पेपर टेल अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, दिस इज द करेक्ट मेथड टू स्पॉट द एरर. ओके, अब देखिए, अब बेसिकली नेक्स्ट सेंटेंस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है. और इस तरह के सेंटेंस में इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू फाइंड द एरर. ओके, बट वी मूव ऑन. इट इज सजेस्टेड टू कैप्ट द प्लांटेशन वेट ऑब्लिक बाय स्प्रिंकलिंग ग्राउंड वाटर इन स्मॉल अमाउंट. अब यहां पे जो वर्ड स्प्रिंकलिंग है, स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है फुहार, मतलब पानी से फुहार मारना, छींटे मारना, जो भी है. तो यहां पे अगर मुझे एरर फाइंड आउट करना है, तो अगर आप पूरे सेंटेंस को रिव्यू करो तो आपको कहीं लगेगा इन सेंटेंस में कहीं एरर है. बट अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो यहां पे क्या है, टू केप्ट, पहले तो जहां भी टू होगा ना, तो टू के बाद हमेशा बी वन आता है, कभी भी बी थ्री नहीं आएगा. यहां पे क्या है, टू केप्ट है, तो केप्ट क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा कीप से, हो जाएगा कीप, टू कीप द प्लांटेशन. तो यहां पे केप्ट जो है रॉन्ग है, यहां पे क्या आएगा, टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है यहां पे टू कीप द प्लांटेशन वेट इट इज करेक्ट, टू कैप द प्लांटेशन वेट इट इज रॉन्ग. सो टू के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही आएगा, ऑलवेज रिमेंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट सेंटेंस. अब देखिए, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस जो है, इन इंडिया लेक्स रिवर एंड अदर फ्रेश वाटर्स बॉडी ऑब्लिक सपोर्ट अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ बाय टोटल ऑब्लिक रिप्रेजेंटिंग
ऑलमोस्ट ऑल टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑब्लिक नो इरर। अब देखिए इस सेंटेंस में मुझे इरर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो हमने पढ़ा जो अगर यूनिवर्सल फैक्ट है या कोई हैबिट है तो वहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे हमेशा, सब्जेक्ट को देखते हुए प्रेजेंट यूज करेंगे, ओके। और जब फिर हमने पढ़ा जो अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार हम इधर को स्पॉट करेंगे, मतलब अगर सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा उसके अकॉर्डिंग प्लूरल होगा। एक तो एक सेंटेंस हमने लिया था जहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट दो था, एक सब्जेक्ट था जो सिंगुलर था एक प्लूरल था, तो हमने फिर क्या किया मतलब कि जो सब जो वर्ब उस सब्जेक्ट के नियरेस्ट था उसके अनुसार डिसाइड किया था, ठीक है ना। तो अभी तक हमने ये सारी बातें पढ़ी, इसी को हमने इसको हम फिर से इसी कुछ चीज़ को हम फिर से है ना यहाँ अप्लाई करेंगे। आप इस सेंटेंस को अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा खेल है, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चयन करना, वर्ब को रखना, ओके। सो नाउ इंडिया लेक्स रिवर्स, अब लेक्स क्या है, रिवर क्या है, सब्जेक्ट है, कैसे है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। एंड अदर फ्रेश वाटर बॉडी सपोर्ट अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ बाई टोटल रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट ऑल टेक्सोनॉमिक ग्रुप न्यूरल। हालांकि सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है और कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसी तरह के सेंटेंस ज़्यादातर SBIPO में और जितने भी अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादातर कैट लेवल के एग्जाम में आते हैं। सो यहाँ पे ईयर किस पार्ट में है और ईयर क्या होगा उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो आपको विद इन सेकेंड आपको मालूम हो जाएगा ईयर कहाँ पे है, सब्जेक्ट भी सही है, फ्रेश वाटर बॉडी सपोर्ट, तो इसमें इधर है, इसमें है, इसमें है, किसमें है, जस्ट थिंक लिटिल वाइल, ओके। नाउ इधर जो है बेसिकली इस पार्ट में है ऑफ द फ्रेश वाटर बॉडी। अब जो देखिए ये जो नॉ ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर ये प्लूरल है, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या प्लूरल होगा, तो बॉडी की जगह क्या बॉडीज हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉडी की जगह क्या बॉडी हो जाएगा, और लेक्स रिवर्स की जगह क्या प्लूरल है, तो यहाँ पे इन इंडिया लेक्स रिवर्स एंड अदर फ्रेश वाटर बॉडीज, ओके। इस तरीके से हम इधर को स्पॉट करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको देखते हैं। देखिए अल्दाव ही ओनली अर्न 800 रुपीज और मनी ऑब्लिक ही मैनेज टू सपोर्ट ऑब्लिक हिज फैमिली ही अर्न्स ओनली 800 सॉरी। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है, मुझे इस सेंटेंस में इधर फाइंड आउट करना है इधर किस पार्ट में होगा, फिर से सेम कंडीशन, ठीक है ना, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके। देखिए और हैबिचुअल एक्शन, तो इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम दिमाग में रखते हुए आगे हम इधर स्पॉट करेंगे। बट यहाँ पे जो केस है वो बिल्कुल डिफरेंट केस है, केस क्या है यहाँ पे कहीं कोई गलती नहीं है, बट शिफ्टिंग ऑफ वर्ड का खेल है यहाँ पे। अल्दाव ओनली अर्न 800 रुपीज, ओके, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अल्दाव ही अर्न्स ओनली, तो ओनली जो होगा ना हमेशा यहाँ पे आएगा, बिकॉज इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ओके। कॉज अर्न क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आएगा, ओनली आएगा, then it makes complete sense, okay. So एक छोटा सा पॉइंट में और आपको बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए जैसे कोई सेंटेंस है my all hopes oblique unfulfilled, इस तरह कोई सेंटेंस है, तो वहाँ पे जो इरर जो होगा, वहाँ पे इरर यही होगा ना, वहाँ पे वर्ड का रिप्लेसमेंट होगा, मतलब वर्ड की जो पोजिशन है वो इंटरचेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो my all hopes होगा ये क्या है, गलत है, अब यही इसको हम लिखेंगे ऐसे ऑल माई होप्स, तो इट इज़ अ वेरी प्रॉपर सेंटेंस, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।